हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है सेकेंड ईयर एचडीपी सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट है वेटरनरी फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 25 एंटीबायोटिक्स के बारे में देख रहे हैं। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने सल्फा के बारे में सल्फोनेमाइड ग्रुप एंड ड्रग्स के बारे में अध्ययन किया था कि सल्फोनेमाइड जो है ये बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं और सल्फा जो है मुख्य रूप से इसको हम दो मोड ऑफ एक्शन के आधार पर इनको कैसे कैसे बांट सकते हैं। तो सल्फा जो है एक तो क्या है कि ये एक्यूट बीमारी की अवस्था में प्रभावशाली होती है, एक क्रोनिक बीमारी में कम प्रभावशाली होती है। सल्फा को जब तक देना चाहिए तब तक पशु पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाए। तो ये दो तीन बातें हैं, यानी एक तो क्या है कि सल्फा जो है ये एक्यूट बीमारी में ज़्यादा प्रभावशाली है क्योंकि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। दूसरा, क्रोनिक जो है उसमें ये कम प्रभावशाली है, क्रोनिक जो बीमारी होती है उसमें कम प्रभावशाली है। दूसरा, सल्फा को तब तक देना चाहिए जब तक पशु पूर्ण रूप से या बीमारी पूरी रूप से ठीक नहीं हो जाए, ये ध्यान रखने वाले होते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन ये मैंने आपको बताया था कि फोलिक एसिड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए आवश्यक है और सल्फा जो है ये PABA पाबा के साथ मिलके प्रतिस्पर्धा करते हैं, जीवाणुओं के फोलिक एसिड का निर्माण रोक देती है। और सल्फा औषधि के विपरीत प्रभाव मैंने बताया था कि ये विपरीत प्रभाव क्या है, सल्फा जो है देते टाइम स्टोमक का पीएच जो है एल्कलाइन होना चाहिए, इसलिए उसको सल्फा के ड्रग देते हैं जब ओरली तो उसके साथ में मीठा सोडा देते हैं और पानी खूब पिलाना चाहिए, नहीं तो क्या क्रिस्टल यूरिया के रूप में क्रिस्टल यूरिया यानी क्रिस्टल के रूप में सल्फा जो है पेशाब में आने लग जाएगी क्योंकि ये गुर्दे से एक्सक्रीट होती है, इसलिए इसको खूब पानी पिलाना चाहिए, नहीं तो उसके पथरी पड़ सकती है। पशु के अगर किडनी की बीमारी हो तो उसको सल्फा नहीं देनी चाहिए, वो घातक प्रभाव कर सकती है और कई बार पशुओं में सल्फा जो है एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं, इसलिए उसका टेस्ट सेंसिटिविटी टेस्ट करके ही देना चाहिए। अन्य लक्षण जिन मैंने बताए थे कि भाई भूख कम लगती है, रीनल कोलिक यानी गुर्दे का दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, पीड़िया हो सकता है और ज़्यादा लंबे टाइम तक सल्फा देते हो तो मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है। अब इस औषधि को कभी भी प्रोकेन पेंसिलिन के साथ नहीं दें क्योंकि ये एंटागोनिस्टिक है। प्रोकेन पेंसिलिन अगर दे दोगे आप तो उसके एक्शन को रोक देगी ये सल्फा, या प्रोकेन पेंसिलिन जो है वो सल्फा के एक्शन को रोक देगी। पशु के जब अंतिम समय आता है ना गर्भकाल का, जैसे एक महीना रह गया डेढ़ महीना, तब उसको सल्फा नहीं देते, नहीं तो गर्भ को नुकसान पहुँचता है यानी एबॉर्शन हो सकता है। सल्फा को हमेशा पशु को गर्भकाल के अंतिम समय में सल्फा दवाई नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसका गर्भपात हो सकता है, यानी सल्फा दवाई जो है ना जब बच्चा मैच्योर होता है तो उस पर विपरीत असर डालती है। सल्फा को हमेशा जो है ट्राइमिथोप्रिम के साथ देना चाहिए, इसके साथ इसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। सिनर्जिस्टिक का मतलब क्या होता है, एक दवाई जो है दूसरी दवाई के असर को बढ़ा देती है, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जो उसके असर को कम कर देती है। इसलिए हम क्या करते हैं प्रोकेन पेंसिलिन के साथ सल्फा को नहीं देते हैं क्योंकि उसका एक्शन जो है वो एंटागोनिस्टिक है, और उसको सल्फा को ट्राइमिथोप्रिम के साथ में जरूर देना चाहिए क्योंकि इसका एक्शन जो है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। इसके साथ कैल्शियम भी नहीं देना चाहिए। अगर आप सल्फा देते हो ना पशु को, कब कल को आप क्लिनिक्स में जाओगे, आप फील्ड में जाओगे और पशु को आपको सल्फा दोगे तो उसके साथ अगर भूल से भी कैल्शियम दे दी ना तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम जो है एसिड मीडियम में नहीं होना चाहिए, मतलब कैल्शियम के साथ भी नहीं देना चाहिए। सल्फा देते हो तो उसका मीडियम एसिडिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा क्रिस्टल यूरिया हो सकता है। आपको पहले पढ़ाया था ना कि सल्फा का असर कब होता है, जब उसका उसके साथ में हम जो है एल्कलाइन देते हैं, तो एक तो एसिडिक पीएच नहीं होना चाहिए, एक उसके साथ कैल्शियम के साथ नहीं देना चाहिए। अब पशु चिकित्सा में हम कैसे यूज करते हैं सल्फा को, ये देखना है। पशु चिकित्सा में सल्फा का सिस्टेमिक जो इन्फेक्शन होता है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो ब्लड के थ्रू होता है पूरे शरीर में, एक होता है इन्फेक्शन लोकल
और एक होता है सिस्टेमिक इन्फेक्शन। तो उसमें क्या करते हैं, सल्फाथाइजोल सोडियम ये हम देते हैं, या तो मुंह द्वारा देते हैं या इसको आईवी देते हैं। सल्फामिजाथिन इसको या तो मुंह द्वारा दे सकते हो ओरली, या इसको आईवी दे सकते हो। पहले हमेशा इसमें जो सल्फामिजाथिन है, सल्फामिजाथिन जो है इसकी जो पहली खुराक आप दोगे वो हमेशा पूरी खुराक दोगे, लेकिन आप जब रिपीट करोगे दूसरे दिन तो उसकी पहले वाले दिन की आधी खुराक दोगे। यानी पहले दिन अगर आपने 100 mg पर kg बॉडी वेट दी है, 100 mg या 50 ml दी है, या तो आपने 100 mg पर kg बॉडी वेट दी है या आपने 50 ml पर kg बॉडी वेट दी है, तो दूसरे दिन क्या करोगे, दूसरे दिन भी उसकी आधी दोगे। और फिर आती है सल्फाडाइजिन, सल्फाडाइजिन को आप आईवी दोगे, और सल्फा ब्रोमोथायजिन सोडियम, सल्फा ब्रोमोन थायजीन सोडियम ये इसकी ओरल जो डोज है वो है 132 से 198 mg पर kg बॉडी वेट, इनकी डोज है सल्फा की। जो अलग अलग मेडिसिन है सल्फा की, सल्फा डाइमिथोक्सिन बोलस, ये एक बोलस आता है, इसको टेबलेट के रूप में देते हैं। अगर मान लो सल्फा मिथोक्सिन बोलस है या टेबलेट है तो उसको दोगे, अगर वो लिक्विड है तो आईवी दोगे। खुराक इसकी क्या है, 50 mg पर kg और 25 mg पर kg दूसरे दिन, यानी 50 mg पर kg बॉडी वेट पहले दिन दोगे आप, और दूसरे दिन उसको 25 mg पर kg बॉडी वेट, यानी पहले दिन भी उसकी हाफ देनी है, तीसरे दिन भी उसको हाफ देनी है। इसका स्थानीय उपयोग क्या है, एक तो इसका स्थानीय उपयोग यह है कि सल्फा सिटामिन सोडियम, सल्फा सिटामिन सोडियम 30% विलियन के रूप में अथवा 10% मल्लब के रूप में आँख में लगाते हैं इसको, सल्फासिटामाइड सोडियम ये 30% का सॉल्यूशन, या तो इसको सॉल्यूशन इसका आँख में लगाते हैं या इसकी 10% मल्लम बना के आँख में यूज करते हैं, आई डिजीज में काम में लेते हैं। अच्छा, मुंह के द्वारा अगर मान लो आप सल्फोनेमाइड देते हो, सल्फोनेमाइड अगर मुंह से देते हो तो उसकी खुराक जो है वो इस प्रकार से, गोवंश में कौन कौन सी बीमारियों में देते हैं ये सल्फोनेमाइड, ये गोवंश में देते हैं साल्मोनेलोसिस, डायरिया, नमोनिया, फुट रोट, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी यूआरआई बोलते हैं इसको, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी गले का, फेरेक्स का या लेरेक्स का, इनका जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी फेफड़ों के ऊपर जो इन्फेक्शन होता है सांस के। एक्यूट मेस्टाइटिस और मेट्राइटिस, एक्यूट यानी आज ही जैसे मान लो बीमारी हुई है, एक्यूट बोलते हैं उसको शुरुआत जैसे, तो मेस्टाइटिस है थनों की बीमारी है, मेट्राइटिस बच्चेदाने की बीमारी है, उनमें आप दे सकते हो सल्फोनेमाइड। तो उसकी खुराक है, अगर आप उसको आईवी देते हो तो 48 से 50 mg पर kg बॉडी वेट है, इसकी डोज जो है आईवी है 48 से 50 mg पर kg बॉडी वेट। घोड़े में एक बीमारियां जो है स्ट्रेंगल्स है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, घाव है, एब्सेस है, साल्मोनेलोसिस, प्रोटोजोअल इंसेफेलोमायलाइटिस, ये बीमारियां तो आप पढ़ोगे मेडिसिन में, इन बीमारियों में इसको देते हैं। कुत्ते में इसको यूटीआई मतलब अपर ट्रैक्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होना, ईयर इन्फेक्शन, यानी कुत्ते में पेशाब की बीमारी में प्लस कान की बीमारी में इसको यूज करते हैं। पक्षियों में भी इसको करते हैं, ई कोलाई, पास्टूरेला, ट्राइम, ये जो बीमारी ई कोलाई है, पास्टूरेला, इनमें ट्राइमिथोप्रीम या सल्फा क्विनोक्सिलिन देनी चाहिए इसमें, इन बीमारियों में, यानी सल्फोनेमाइड में ई कोलाई, पास्टूरेला, ये बीमारी अगर हो जाए पक्षियों में तो उनको ट्राइमिथोप्रीम या सल्फा क्विनोक्सिलिन ये देनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनकी डोज दे रखी है, ये आपका एक चार्ट दिया हुआ है पेज नंबर 198 पर, इसको भी आप ध्यान से याद करना। जैसे मान लो सल्फामिजाथिन जो है उसको हम दे सकते हैं सभी डोमेस्टिक जानवरों में, यानी पालतू जानवरों में देते हैं, गाय में, भैंस में, बकरी में, भेड़ में, घोड़े में। तो कैसे देते हैं इसको, पहली डोज जो इनिशियल डोज इसकी 110 mg पर kg बॉडी वेट है, दूसरे दिन भी 110 mg पर kg बॉडी वेट देते हैं, और 24 घंटे बाद भी इसको रिपीट करते हैं। सल्फा डिमेथोक्सिन
सल्फा डिमेथोक्सिन ये क्या करते हैं, इसको सभी पालतू पशुओं को दे सकते हैं। पहले दिन 55 mg पर के जी बॉडी वेट देते हैं, सेकेंड डे इसको देते हैं 27.5 mg पर के जी बॉडी वेट, ये रिपीट करते हैं 24 घंटे से। सल्फा मिथोक्सी पायरिडेजिन ये केटल में देते हैं 55 mg पर के जी बॉडी वेट पहले दिन और दूसरे दिन, 24 घंटे बाद रिपीट करते हैं। अगर इसको स्वाइन में देना हो तो 110 mg पर के जी बॉडी वेट पहले दिन देते हैं, 55 mg पर के जी बॉडी वेट दूसरे दिन देते हैं और 24 घंटे बाद में रिपीट करते हैं। फिर आता है सल्फा पायरिडिन को अगर केटल में देना हो तो 132 mg पर के जी बॉडी वेट पहले दिन देते हैं, 66 mg पर के जी बॉडी वेट दूसरे दिन, यानी पहले दिन से दूसरे दिन आधी देते हैं और उसको रिपीट जो है वो 12 घंटे से करते हैं। तो आपको एग्जाम में ये जरूर पूछ सकते हैं कि बाकी सारे जितने सल्फा है वो सब 24 घंटे बाद में रिपीट करते हैं, लेकिन ये जो सल्फा पायरिडिन है इसको 12 घंटे बाद में रिपीट करना पड़ता है, यानी इसका जो एक्शन है वो 12 घंटे तक रहता है। तो जैसे सुबह आपने लगाया 8 बजे तो शाम को 8 बजे फिर इसको लगाना है। एक आता है सल्फा गुनीडिन जो है ये सभी पालतू पशुओं में आप यूज़ कर सकते हो, 264 mg पर के जी बॉडी वेट पहले दिन दोगे और 132 mg पर के जी बॉडी वेट दूसरे दिन, यानी दूसरे दिन उसकी डोज आधी हो जाएगी, ये भी 24 घंटे बाद रिपीट करते हैं। तो ये आपका लेक्चर जो है ये एंटीबायोटिक्स का था जो आज कंप्लीट हो गया, इसकी डोज और इसका यूज और इसके किस के साथ यूज़ कर सकते हैं ये सब याद करना है। धन्यवाद।